गो। ठीक है चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो बेटे हम ये क्वेश्चन जो करेंगे अभी, ये क्वेश्चन जो भी करने वाले, इसके लिए आपको स्क्वायर रूट सिंबल के बारे में जानना जरूरी है, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था। रिकॉल करते हैं खाली, ठीक है ना बेटे। देखो बेटे मैंने आपको समझाया था कि एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है बेटा, मॉड एक्स, ठीक है ना। क्या होता है? मॉड एक्स। क्योंकि बेटे जो नंबर का स्क्वायर आप किए हो वो नंबर खुद नेगेटिव नंबर भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकता है ना, दैट इज अननोन, ठीक है ना। और बेटे ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है ना। ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि ये सिंबल नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9 का स्क्वायर रूट ऐसे खाली दिए हैं तो इज इक्वल टू 3, आगे अगर बेटे माइनस लगा दो तो हो जाता है जाके माइनस, ठीक है ना। अच्छा तो बेटे एक्स का स्क्वायर रूट आप क्या लिखोगे बेटे? मॉड एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे? मॉड एक्स लिखोगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर रूट है ना बेटे, तो क्या होगा बेटे? मॉड 3। मॉड 3 क्या होता है? 3 होता है। -3 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटे? मॉड ऑफ -3। तो क्या होगा बेटे? प्लस 3। थ्री समझ में आ रहा है ना मेरा बात? ध्यान से, ठीक है। हाँ यस सर, यस सर। सर एक तो आप एक फॉर्मूला डाउट है सर, पूछो। जिधर -x का स्क्वायर रूट होगा तो फिर स्क्वायर रूट मतलब इसका पावर 1/2 सर, हाँ इसका मतलब -x टू हाँ द पावर टू यस होल टू द यस पावर 1/2 सर, यस टू यस इंटू वन बाई टू यस होगा। यस यस आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। लुक, पहला बात है कि बेटा जब आप लिख देते हो ना कि एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट आप जब डायरेक्ट लिख देते हो, एक्स टू दी पावर 2 का पावर 1/2, है ना, इसका यस कॉन्सेप्ट सर, अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट सिंबल की, अब बेटा ध्यान रखो कि जो स्क्वायर रूट सिंबल हम बात कर रहे हैं, इस इज यूज फॉर फाइंडिंग नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ओनली, ठीक है ना। अब जिस नंबर का स्क्वायर आप अंदर ब्रैक जिस नंबर का आप स्क्वायर लिखे हो, वो नंबर खुद पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बेटे इसका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, इसीलिए बेटे आपका आंसर क्या आता है बेटा? मॉड एक्स। ठीक है, समझ में आया अभी तक? क्लियर और नॉट? यस सर, अच्छा अब बात आता है बेटे, याद रख लो बेटे ध्यान से। अच्छा तो बेटे बताओ जरा, 1 - sin² θ का स्क्वायर रूट क्या होगा? खाली cos थीटा होगा कि मॉड कॉस ऑफ cos थीटा थीटा होगा? खाली cos थीटा सर, होगा मॉड कि ऑफ कॉस थीटा मॉड ऑफ cos थीटा? मॉड ऑफ cos थीटा। क्यों बेटे मॉड ऑफ cos थीटा आएगा? क्योंकि cos थीटा सर, खुद क्योंकि नॉन नेगेटिव है नेगेटिव आना तो चाहिए। हाँ cos थीटा खुद भी नेगेटिव आ सकता है ना बेटे, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट इन व्हिच थीटा इज लाइंग, क्वाड्रेंट है ना। यस ध्यान से देखो बेटे, सर, अंडर रूट के नीचे जो लिखा है 1 - sin² θ, 1 - sin² θ क्या होता है बेटे? cos स्क्वायर थीटा होता है ना, cos स्क्वायर थीटा होता है। अभी देखो बेटा, अगर आप स्क्वायर रूट cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट खाली cos थीटा लिख देते हो, तो इसका मतलब आपको पता है पहले से कि थीटा या तो फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्योंकि बेटे अगर थीटा फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो बेटे आपका उस एंगल का कॉस पॉजिटिव आता है, तो आप हाँ कॉस थीटा लिख सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, हमें पता नहीं है। थीटा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो बेटे थीटा अगर सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो कि हमें पता नहीं है, तो बेटे उसका कॉस क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा, है ना। क्या होगा उसका कॉस? है नेगेटिव नंबर। तो बेटा अगर आप खाली लिख देते हो कि दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बेटा क्या गलत हो जाता है? कि थीटा अगर बेटे सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो कॉस थीटा तो एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव नंबर आ जाएगा। नेगेटिव यस सर, और इसका आंसर क्या आता है बेटे? हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। क्या आता है बेटे? नॉन नॉन नेगेटिव आता नेगेटिव है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन सही कब हो जाएगा? डायरेक्ट आप कॉस थीटा लिख मत देते हो, सही कब हो जाएगा? जब थीटा फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ? यस यस सर, सर। देखो बेटे, अगर थीटा आपका फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है
तो उसका कॉस पॉजिटिव नंबर है ना बेटा, कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा वहां पर, तो वहां पर आप इसका आंसर कॉस थीटा लिख सकते हो बड़े प्यार से, क्लियर और नॉट। यस लेकिन सर, अगर यस सर, थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो वहां पर उसका कॉस क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वहां पर आप अगर इसका आंसर कॉस थीटा लिखते हो तो गलत हो जाता है, क्लियर और नॉट, बिकॉज यस दिस सिंबल इज सर, यूज फॉर फाइंडिंग नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ओनली। तो बेटा हम क्या लिख देते हैं, मॉड ऑफ कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली वो अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा, मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट। यस सर, यस अच्छा सर, ओके, अब देखो बेटे एक इंटरेस्टिंग सा बात है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, प्रूफ जो दिए होते हैं ना बेटे, कुछ एनसीईआरटी में कुछ प्रूफ्स होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं एक्चुअली एग्जाम्पलर या फिर आरडी शर्मा में कुछ प्रूफ्स होते हैं। प्रूफ्स में क्या होते हैं बेटे, आपका दिया होगा समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस दिया गया होगा, और बेटे एलएचएस में आप एलएचएस को सिंप्लीफाई करते करते ऐसा कहीं पर आएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कहीं पर आएगा, ठीक है ना। एलएचएस को सॉल्व करते करते, मानो एलएचएस को आप सॉल्व करते 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 आए और ऐसा आ गया, और बेटे जो प्रूफ प्रूफ जो दिया था, सवाल दिया था, उसके आरएचएस में मानो कॉस थीटा लिखा है, क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा है। सर कॉस, यस तो बेटे देखो यहां पर हम मॉड कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कॉस थीटा, आरएचएस इज इक्वल टू कॉस, मतलब डायरेक्ट कॉस थीटा। कारण क्या है बेटे, क्योंकि उसने आरएचएस में उसने खुद दे रखा है कॉस थीटा, तो बेटा हम अस्यूम कर लेंगे उसने दिया है कॉस थीटा, मतलब जो एग्जाम जिसने क्वेश्चन सेट किया है उसका इंटेंशन है थीटा आपका फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा होगा, मतलब कॉस थीटा इज अ पॉजिटिव नंबर, उसका इंटेंशन है, ठीक है ना। तो हमें डायरेक्ट आरएचएस में जो कॉस थीटा लिखा है वो डायरेक्ट कॉस थीटा लिख देना है, मेरा बात समझ में आ रहा है मैं जो बोला है, यस सर, अगर नहीं आया तो यस सर, पूछ लो, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, पूछ लो, समझ में आ सर गया। दोबारा थोड़ा सा, जब सर जब दोबारा थीटा मतलब सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब, थीटा अगर सेकंड या फिर थर्ड पॉइंट होगा तो मॉड कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा, बताऊंगा आगे चल के। कहां पर समझ में नहीं आया बेटे बताओ, सर वो प्रूफ वाला पार्ट जो है वो वाला, प्रूफ जब वाला पार्ट है बेटे। देखो कभी कभी क्या हो रहा होगा, आपको बोला गया होगा कि प्रूव दैट समथिंग, उसके अंदर कुछ मतलब एलएचएस में कोई स्क्वायर रूट वगैरह कुछ होगा और आरएचएस में दिया होगा प्रूफ दैट समथिंग इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक क्वेश्चन दिया गया होगा, एलएचएस में क्या है मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, बस क्वेश्चन ऐसा दिया गया होगा समथिंग इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा ना, एलएचएस से आरएचएस जाते हो ना, प्रूफ कैसे करते हो, एलएचएस धीरे धीरे उसको सिंप्लीफाई करके यस आरएचएस सर, निकालते हो। अभी एलएचएस को सिंप्लीफाई करते 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 एक स्टेप आ गया जहां पर लिखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, एलएचएस को सिंप्लीफाई करते करते ऐसा आ गया, क्लियर। यस सर, अब बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटे यहां पर हम नहीं लिखेंगे कि मॉड ऑफ कॉस थीटा, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटा आरएचएस में उसने कॉस थीटा दे दिया है, क्या दे दिया है बेटा आरएचएस में उसने, आरएचएस आपका कहा है थीटा, कॉस थीटा है ना, तो बेटा डायरेक्ट हम कॉस थीटा इसका आंसर इज इक्वल आरएचएस कॉस थीटा आ जाएगा। यहां पर बेटे आरएचएस उसने डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया था दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम डायरेक्ट उसका आंसर कॉस थीटा ही लिख देंगे, क्लियर और नॉट, ठीक है, यस सर, समझ में आया मेरा बात, ओके ध्यान यस सर, ध्यान दो। तो यहां से हम एक इंटरेस्टिंग सा बात क्या सीखे बेटे कि, लेकिन यहाँ अरे मेरे बात समझ रहे हो, अगर लास्ट को आरएचएस में कॉस थीटा दिया है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इज इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं तो सर बेटे या डाउट तो है सर, बोलो। सर आरएचएस में जब कॉस 250 डिग्री होगा तो फिर सर वो टू थर्ड क्वाड्रेंट फिफ्टी में, डिग्री 250 डिग्री आरएचएस में अगर होगा तो बेटे 250 डिग्री उसको वैल्यू दिया गया होगा ना ऑब्वियसली, बट कॉस 250 डिग्री यस नेगेटिव सर, होता है ना, कॉस 250 डिग्री नेगेटिव आ जाएगा, 250 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, वो बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं ये बोल रहा हूं कि सर। आपका आंसर लास्ट को ऐसा कुछ आ रहा है अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आपका आरएचएस में खाली कॉस थीटा है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे बेटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्लियर और नॉट? आपका आरएचएस आ जाएगा, ठीक है? अच्छा सर बोलो। सर, अगर माइनस रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा देता तब भी हम कॉस थीटा डायरेक्ट लिख देते ना। माइनस रूट ओवर देगा तो ऑब्वियसली माइनस, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अगर बेटा आगे माइनस लिखा है तो क्वेश्चन में दे रहा होगा आरएचएस में माइनस कॉस थीटा, ओके सर। मेरे पास समझ में आ रहा है ना, हाँ आरएचएस सर। में दे रहा होगा माइनस कॉस थीटा। अच्छा तो बेटा सिंपल सा बात है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा, मॉड एक्स आएगा, क्या आएगा? मॉड एक्स आएगा, ठीक है ना? तो कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या आएगा बेटे, मॉड कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा? मॉड कॉस थीटा। ओके नेक्स्ट बात बेटे, मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो बेटे 3 का मॉड क्या होता है, 3 है ना, 3 जीरो का मॉड क्या होता है, जीरो, 0 जीरो। -3 का मॉड क्या होता है, 3 थ्री।3 -5 का मॉड क्या होता है, 5 5 फाइव। -7 का मॉड क्या होता है, 7 सेवन। बेटे बात देखो, जब आप पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालते हो तो आंसर क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है ना, 3 का मॉड 3, 4 का यस मॉड 4, 0 का मॉड भी 0। तो हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना भाई? जब जिसका मॉड आप निकाल रहे हो वो नंबर अगर खुद 0 है या फिर 0 से बड़ा है, तो बेटा उसका मॉड क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा ना, 3 का मॉड 3, 0 का मॉड 0। तो एक्स का मॉड इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज आइदर पॉजिटिव और इक्वल टू 0। मेरे बात समझ रहे हो यहां तक, क्लियर और यस नॉट? सर, यस सर, यस सर। अच्छा बेटे यहां पर देखो बेटे, -3 का मॉड आप जो निकाल रहे हो वो 3 कैसे आ रहा है, क्या मैं -3 में अगर एक माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 हो जाता है? चेक कर लो, चेक कर लो, माइनस यस सर, यस सर। -5 का मॉड 5 कैसे आता है बेटे, चेक कर लो, अगर मैं -5 में एक माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो +5 हो जाता है। -7 का मॉड यस सर, 7 कैसे आया बेटे, -7 में एक माइनस मल्टीप्लाई कर देने से आया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मॉडल मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x व्हेन एक्स इज लेस देन 0? बेटे जो नंबर का आप सर। मॉड्यूलस, जो नंबर का आप एक्स का मॉड निकाल रहे हो ना बेटे, एक्स का मॉड निकाल रहे हो, अगर एक्स एक नेगेटिव नंबर है, मतलब अगर एक नेगेटिव नंबर का मॉड निकाल रहे हो, तो आंसर में क्या आता है बेटे, वो नंबर में बस माइनस मल्टीप्लाई होके आता है, समझ रहे हो ना बेटे? अगर आपका एक्स अगर एक नेगेटिव नंबर है जिसका मॉड निकाल रहे हो, तो उसका मॉड क्या होता है बेटा आंसर में, और दैट नंबर में एक माइनस मल्टीप्लाई होके आता है, वो प्लस हो जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्लियरली? यस सर, अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से, माइनस एक्स एक कौन सा टाइप का नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव नंबर? बेटा ये गलत मत रहो कि माइनस लगाए तो ये नेगेटिव नंबर है, जरा ये इसको भी तो देखो भाई, एक्स खुद नेगेटिव है, एक्स खुद नेगेटिव है, तो उसके आगे माइनस लगा दो, नेगेटिव नंबर में माइनस मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव वो हो जाएगा पॉजिटिव सर, हो जाता है। पॉजिटिव। तो बेटे यहाँ पर माइनस एक्स एक नेगेटिव नंबर नहीं बल्कि पॉजिटिव नंबर है, मेरा बात समझ रहे हो ना इस एक्सप्रेशन को देख के? हैं, यस सर, वेरी यस सर, गुड। यस सर। तो इसका याद रखना है हमें बेटे कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, क्लियर और नॉट? अच्छा सिंपल सा यस बात सर। बेटा। अब बेटे आते हैं हमारा सवाल के ऊपर। बेटे बोला है कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन सो दैट दिस इज इक्वल टू -2 sec थीटा, ठीक है ना? अच्छा बेटे मैं अभी जो बोल रहा था यहाँ पर, अगर आप, मैं खाली समराइज कर लेता हूँ बेटे दोबारा। बेटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट देगा तो आप मॉड एक्स लिखोगे, रूट ओवर ऑफ 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा कितना होता है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटे, मॉड कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटे, मॉड कॉस थीटा। उसी हिसाब से बेटे मॉड अगर मैं कॉस आपको थीटा, बोलूं रूट ओवर ऑफ 1 - x² रूट ओवर ऑफ sec² थीटा -1,
सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है? सर टेन टेन स्क्वायर टेन थीटा। स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या सर लिखेंगे मॉड बेटे? सर मॉड टेन थीटा मॉड मॉड टेन टेन थीटा। थीटा मॉड टेन थीटा क्या लिखेंगे? मॉड टेन थीटा। क्यों मॉड टेन थीटा लिख रहे हैं? क्योंकि टेन थीटा खुद पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है ना बेटे, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा। क्लियर और नॉट? यस सर और यस सर हमारा हमारा ये स्क्वायर रूट यस का सर आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। लेकिन लेकिन प्रूव करते वक्त कभी कभी आपको ऐसा दिया गया होगा कि LHS में कुछ होगा और RHS में टैन थीटा हो रहा होगा, दिया क्वेश्चन में दिया गया होगा। प्रूव दैट रूट ओवर ऑफ समथिंग इज इक्वल टू टैन थीटा, क्वेश्चन में दिया गया होगा। और मानो प्रूव करते 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 आपका एक स्टेप में ये पहुंचे, ये इसमें आके पहुंचे, रूट ओवर ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन आके पहुंचे, प्रूव करते 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 करते, है ना? यस सर, उसको फिर डायरेक्टली 10th लिख दूंगा। ये सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या था बेटे? टैन स्क्वायर थीटा। यस अब यहाँ पर मॉड टैन थीटा ना लिख के हम डायरेक्ट टैन थीटा लिख देंगे, क्योंकि RHS में उसने टैन थीटा दे रखा है। क्लियर और ना? तो इसका मतलब जिसने सर क्वेश्चन सेट किया है वो दिमाग में बिठा लिया है कि मेरा थीटा फर्स्ट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, मतलब मेरा टैन थीटा पॉजिटिव नंबर है। तो जिसने क्वेश्चन सेट किया है वो दिमाग में ये रख के सेट किया है कि टैन थीटा पॉजिटिव नंबर है, तो आपको उसमें कोई जाना नहीं है। आप सीधा टैन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर इज इक्वल टू जो RHS में टैन थीटा दे रखा है वही लिख देना है। वहां पर मत बोलना कि सर आपने तो बोले थे कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड एक्स लिखने के लिए, तो टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सर मॉड टैन थीटा लिखना चाहिए था, आप खाली टैन थीटा क्यों लिख रहे हो बेटे? क्यों लिख रहे हो सर? मैं बोलूंगा आपको बेटा RHS में दे रखा है खाली टैन थीटा। क्लियर और नॉट? इसी वजह से। ठीक है, यस सर ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला चीज समझ में आ गया, अब ये यस सर क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बेटे, बोला है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू माइनस टू सेक थीटा। पहले तो आपके LHS क्या है देखते हैं। व्हाट इज LHS? अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस अंडर यस रूट सर वन प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा। बेटे नीचे अगर एलसीएम लें तो बेटा अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा, वन नीचे माइनस साइन एलसीएम थीटा आएगा। बेटे इसका मतलब क्या होता है बेटा? अंडर रूट एक्स बाई वाई मतलब अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट वाई, है ना? समझ रहे हो ना? यस सर फिर एलसीएम यस दोनों ले सर लो। अच्छा इधर क्या होगा बेटे? इधर क्या होगा बेटे? वन माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का अंडर रूट है, सर अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट वन माइनस साइन थीटा। मेरा बात समझ रही हो? क्लियर और यस नॉट? सर अच्छा प्लस इधर बेटा अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा है और ये जाके मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डायरेक्ट 1 प्लस साइन थीटा हम लिखेंगे। डायरेक्ट वन प्लस साइन थीटा। सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर यस यस सर। सर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट होते हैं। साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गए बेटा। वन प्लस वन कितना है? टू है। सर 2 अब देखो सर बेटा ए अंडर प्लस रूट, बी ए माइनस बी हाँ बेटा वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। बेटे अंडर रूट के दोनों नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटे? वन सर माइनस वन साइन माइनस स्क्वायर थीटा, है ना? साइंस के यस सर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटे? टू सर कॉस बाई स्क्वायर थीटा कॉस सर थीटा। कॉस स्क्वायर कॉस थीटा यस स्क्वायर। सर तो कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस स्क्वायर। अब देखो बेटे क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, आज थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो बेटे उसका कॉस क्या नेगेटिव होगा? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया था यस थीटा कॉस से नेगेटिव आएगा। सर तो बेटे इसका आंसर अगर हम डायरेक्ट कॉस थीटा लिख देंगे इधर गलत हो जाएगा कि नहीं हो गलत हो जाएगा? जाएगा बिल्कुल ये सर गलत, गलत हो जाएगा सर क्योंकि बेटे इसका मॉड आंसर गलत देना हो पड़ेगा। जाएगा हाँ बट अभी क्या देते हैं बेटे? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं बेटे? मॉड कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? सर मॉड ऑफ कॉस थीटा मॉड कॉस थीटा। समझ में आ रहा मॉड कॉस है? थीटा यस सर अच्छा यस सर बेटे सर जिस चीज का मॉड निकाल रहे हो अगर वो नंबर खुद नेगेटिव है, जैसे कि मैंने बताया था
मॉड एक्स इज इक्वल माइनस टू, एक्स। हाँ अगर बेटे जिसका मॉड निकालो वो नंबर खुद नेगेटिव है तो उसका मॉड क्या आ जाता है बेटे, माइनस एक्स, माइनस उसमें माइनस एकदम बस एक्स। माइनस मल्टीप्लाई वो किया जाता है। तो बेटे इधर कॉस थीटा खुद नेगेटिव है तो उसका मॉड क्या आ जाएगा बेटे, माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। कितनों को लग रहा है कि माइनस कॉस थीटा एक नेगेटिव नंबर है, कितनों को लग रहा है बेटे, किसी को लग रहा है क्या माइनस कॉस थीटा नेगेटिव नंबर है, आगे माइनस लगा है हाँ तो सर, इसीलिए खुद पॉजिटिव। कॉस थीटा, खुद कॉस थीटा नेगेटिव है ना बेटे, नेगेटिव में माइनस मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव है। तो बेटे 2 बाई माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, -2। सेक थीटा। सेक एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके तो सर एक डाउट है सर, बोलो। हम इधर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर सर हम इधर दैट्स इम्प्लाइज सर माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। सर माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस कॉस थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा थीटा इज इक्वल, सर मतलब थीटा सेकंड ना क्वाड्रेंट। उसका मॉड बेटे कॉस थीटा। क्यों आप दिमाग में इधर उधर का बात लाते हो बेटा, कॉस थीटा खुद एक नेगेटिव नंबर है ना बेटे, हाँ तो बेटा हमारा आंसर क्या है बेटा, मॉड कॉस थीटा। अब जब एक नेगेटिव नंबर का मॉड निकालो, मानो फॉर एग्जांपल कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 है ना बेटे, तो मॉड ऑफ यस कॉस सर। थीटा लिखो मतलब मॉड ऑफ -1/2 है ना बेटे, तो क्या आ जाएगा बेटे उसमें का माइनस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा ना, यस माइनस ऑफ सर। -1/2 +1/2 आ जाएगा ना, सिंपल सा बात है, ठीक है यस सर। यस समझ में आ रहा है ना। तो बेटे जिसका यस मॉडुलस आप सर। निकाल रहे हो, जिसका मॉडुलस निकाल रहे हो वो नंबर अगर खुद नेगेटिव हो तो उसका मॉडुलस क्या आ जाएगा बेटे, माइनस इनटू दैट नंबर। क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस इज सर। दैट क्लियर? वेरी गुड। सर और एक बार समझाइए ना सर। कौन सा प्रोपोर्शन? सर वो जो मोड एक्स सर जो माइनस कॉस हो गया ना सर, तो सर लेकिन माइनस कॉस जो था सर वो जो कॉस सर वो वाला डाउट एक मिनट, हाँ बोलो, क्या बोलो, दोबारा बोल दो, कहाँ पर मॉड कॉस सर थीटा जो को माइनस कॉस थीटा कैसे लिखा? यस सर सर वो क्योंकि एक्स ये का माइनस था ना सर, लेकिन देखिए मतलब जैसे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस सर वैसे उसमें डाउट आ रहा है सर। ओ भगवान, अब कॉस माइनस थीटा क्यों इधर घुसा लिए बेटे, कहाँ कॉस माइनस थीटा सर डाउट लिखा हो रहा है है? सर। नहीं, कॉस माइनस थीटा कहाँ लिखा है, जो नहीं लिखा है अब आसमान से लाके घुसाओगे तो मैं क्या करूंगा बताओ, नहीं जो सर मतलब कि सर वो कॉन्सेप्ट से सर डाउट हो रहा है सर। ना 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 वो अलग बात है बेटे, वो बिल्कुल अलग बात है, आप कहाँ का बात कहाँ ला रहे हो बेटे, वो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बेटे, वो एंगल में अगर माइनस लगाए ना बेटे, वो एंगल में अगर माइनस लगाए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वो बात अलग है। इधर कहाँ मैं कहाँ पर माइनस थीटा लिखा हूँ, कॉस माइनस थीटा कहीं पर कुछ लिखा हूँ, तो कहाँ का बात यस कहाँ सर। घुसा रहे हो, मेरा यस बात सर। समझ रहे हो? कॉस यस सर। माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब इसका इससे क्या लेना देना, यहाँ पर मैं कहीं पर भी माइनस थीटा यूज ही नहीं किया हूँ, मेरे तो थीटा थीटा चल रहा है, क्यों उसका यस बाद सर। इधर घुसा होगे, समझ रहे हो ना मेरे बात? यस सर। हाँ बेटा अब क्लियर हुआ सारी चीजें, सिंपल सा बात यस है, सर। क्रिस्टल क्लियर बात है बेटे, क्रिस्टल क्लियर बात है बेटे। इधर रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पे मैंने मॉड कॉस थीटा क्यों लिखा बेटे, क्योंकि याद रख लो ये फॉर्मूला, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटे, मॉड एक्स होता है, क्या होता है मॉड एक्स होता है। फिर मैंने कॉस थीटा का जगह इज इक्वल टू माइनस कहाँ लिखा, इधर गया, हाँ, और बेटे मॉड ऑफ कॉस थीटा का जगह माइनस कॉस थीटा क्यों लिखा बेटे, क्योंकि कॉस थीटा एक नेगेटिव नंबर है ना बेटे, नेगेटिव नंबर का जब मॉड निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इनटू दैट नंबर। क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा आप एक बात जरा सोचो, अननेसेसरीली खुद को कंफ्यूज कर रहे हो, अननेसेसरीली खुद को कंफ्यूज कर रहे हो, आपका एक हैबिट क्या बना है, देखो बेटे आप क्या कर रहे हो, एक सवाल करते वक्त आप एक दूसरे सवाल का चीज सोच रहे हो, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त आप एक दूसरे कॉन्सेप्ट सोच रहे हो,
अगर बेटा उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर कोई लेना देना होता तो मैं बताता ना खुद आपको, बताओ। अगर उस चीज का यहाँ पर कोई भी लेना देना होता तो मैं तो खुद बताता ना। उसके ऊपर आप 1000 क्वेश्चन कर लो, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। 1000 क्वेश्चन उसके ऊपर कर लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटे, वो कॉन्सेप्ट समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा बात है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू जो कॉस थीटा होता है, ये बड़ा फालतू सा कॉन्सेप्ट है, मतलब इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटे, सपोज कोई बंदा आके आपको कॉस -π/6 का वैल्यू पूछा, -π/6 एक नेगेटिव एंगल, ये क्लॉकवाइज वाला रोटेशन वाला एंगल है, समझ में आ रहा है ना? आप जिसका कॉस यस सर, निकाल रहे हो, यहाँ पर किसका कॉस निकाल रहे हो बेटे? -π/6 वाला एंगल का कॉस निकाल रहे हो। अब ये एंगल एक नेगेटिव एंगल है, मतलब ये एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से क्रिएट हुआ है ना? तो बेटे फॉर्मूला बताता है कि -θ का कॉस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा का कॉस। कॉस थीटा, यस सर, तो बेटे -π/6 का कॉस इज ऑल्सो इक्वल टू π/6 का कॉस। -θ का कॉस इज इक्वल टू थीटा का कॉस। बेटे एंगल का माइनस सिंपली गायब हो जाएगा। -π/6 का कॉस, बेटे माइनस को गायब कर दो, इज इक्वल टू cos π/6 डायरेक्ट इस फॉर्मूला के तहत। cos π/6 तो आपको पता ही है, cos 30° बेटे कितना होता है? √3/2। तो ये आ गया बेटे यस आपका √3/2। इसमें क्या डाउट है? इसमें अगर मैं आप लोगों को cos -π/2 पूछूं, तो बेटे cos -π/2 इज द सेम एज cos π/2, एंड cos π/2 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा फंडा है। अगर मैं आपको sin-θ पूछूं, बेटे sin-θ का क्या फॉर्मूला होता है? सर -sin θ। माइनस तो मैं अगर sin-π/6 आपको एन पूछूं तो क्या आ जाएगा बेटे? -sin π/6 आ जाएगा, एंड sin π/6 कितना होता है बेटे? 1/2। तो कितना आ जाएगा? -1/2। आगे माइनस लगा है, क्लियर और नॉट? इतना ही तो बात है। यस सर, ओके, यहाँ पर हमने बस इतना फंडा लगाया, रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का जगह मॉड कॉस थीटा लिख दिए। रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हमने मॉड कॉस थीटा लिखे, कारण क्या बताया यहाँ पर? ये वाला फॉर्मूला याद रखो, है ना भाई? अच्छा, और हम यस सर, उसके बाद मॉड कॉस थीटा का जगह माइनस कॉस थीटा लिखे, कारण क्या है बेटे? क्योंकि कॉस थीटा खुद एक नेगेटिव नंबर है ना बेटे, नेगेटिव नंबर का मॉडुलस। कॉस थीटा नेगेटिव है, यहाँ पर लिखा हो देखो बेटे क्लियरली, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा नेगेटिव, नेगेटिव नंबर का मॉड। हियर हियर कॉस थीटा इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर का मॉड इज इक्वल टू माइनस इनटू दैट नंबर। जैसे कि बेटे -5 का मॉड, -5 एक नेगेटिव नंबर है ना, जैसे यहाँ पर आपका कॉस थीटा नेगेटिव है, उसी तरह -5 एक नेगेटिव नंबर है ना बेटे? तो नेगेटिव नंबर का मॉड क्या आता है बेटे? उस नंबर में एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है बेटे? 5 5 आ जाता है। तो बेटे सिंपल सा फंडा है, जिस नंबर का मॉड निकाल रहे हो, अगर वो नंबर खुद नेगेटिव हो तो उसका मॉड क्या आ जाता है बेटे? माइनस इनटू दैट नंबर। तो बेटे कॉस थीटा यहाँ पर नेगेटिव है, तो उसका मॉड क्या आ जाएगा बेटे? माइनस इनटू उस न वो नंबर, माइनस इनटू कॉस थीटा। क्लियर और नॉट? यस सर, क्रिस्टल क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, किसे? सर इसको हम दूसरे वे में से कर सकते हैं, तो हाँ वो क्वेश्चन मतलब सर वो उसको रैशनलाइज करके दो दो क्वेश्चन को। करो, करके देखो, करके देखो, जो भी करो कुछ नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास समझ रही कि नहीं? अल्टीमेटली यस सर, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? अच्छा, ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? डोमेन रेंज बेटा रिलेशन फंक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, तो हम पूरा डिटेल में टेक्निकल, मतलब डोमेन रेंज का टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। रिलेशन फंक्शन के साथ जो चीजें अटैच हुआ है उनको उनको उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज जानना है, तो बेटे जितना जरूरी है उतना ही जानने की कोशिश करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? बाकी का चीज रिलेशन फंक्शन चैप्टर में हम समझेंगे। क्लियर और नॉट? ओके,
अब देखो बेटे, डोमेन क्या होता है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड। एक्स के जो वैल्यूज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, उन वैल्यूज के सेट को हम डोमेन बोलते हैं। मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं समझा देता हूं। अच्छा पहले तो एक बात है बेटे कि जब मैं आपको किसी एक रियल नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पूछता हूं, जब जब मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट इज साइन ऑफ टू, टू का साइन क्या है, टू का साइन क्या है बेटा, टू एक रियल नंबर है। रियल नंबर का साइन में क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि साइन तो हम तो साइन कॉस टैन कॉट कोसेक से ये सब एंगल के निकालते हैं ना, तो टू का मैं क्यों पूछा, टू तो एक नंबर है, मैं तो एक एंगल पूछने वाला था, एंगल का पूछने वाला था, क्योंकि बेटे टू रियल रेडियन। नंबर, हाँ रियल नंबर्स एंड रेडियंस दोनों सेम बात होते हैं, तो रियल नंबर टू को आप एंगल टू रेडियन समझो, क्लियर और ना। यस यस सर। अब ये एंगल डिग्री में कितना है वो आप कर सकते हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्शन आपका आता है, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दो। सपोज आपको जानना है कि टू रेडियन कितना है, डिग्री है, तो अब क्या कर दो, बस टू रेडियन मतलब टू इंटू 180 बाई पाई, 2 into 180 by pi, यस सर, इतना डिग्री आ जाएगा। और बेटा पाई की जगह यस सर, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 22/7 पुट कर देना है बस, क्योंकि बेटा डिग्री मेजर में जब एंगल होता है, जब एंगल का यूनिट डिग्री लिखा गया हो, जब एंगल का यूनिट डिग्री लिखा गया हो, तो एंगल में अगर कहीं पर पाए है तो पाए को रिप्लेस कर दिया जाता है 22/7 से, ठीक है ना, ठीक है, ओके सिंपल सा बात है। यस सर। तो बेटे कोई भी रियल नंबर का जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पूछता हूँ, तो सिंपली ध्यान रखो बेटे वो रियल नंबर को आप रेडियन में समझ लो, ठीक है ना, रेडियन में उसको समझ लो, ठीक है, ओके। धीरे धीरे चलते हैं आगे आगे करके। बेटे पहले बात करते हैं कि साइन एक्स का, साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ठीक है ना, सिंपल सा बात। देखो बेटे आप, मैं जो बोलूंगा ध्यान सुनो, आप ब्रह्मांड का कोई भी एंगल का साइन निकाला जा सकता है, एनी एंगल आप ले लो बेटे, एनी एंगल आप ले लो, वो एंगल कोई भी एंगल हो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एनी एंगल उसका हम साइन निकाल सकते हैं। मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट, यस सर, उसका हम साइन निकाल यस सकते सर। हैं। तो बेटे साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, देखो बेटे डोमेन मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। बट यहाँ पर आप बेटे एक्स के जगह ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर रख लो, उसका एक साइन वैल्यू आपको मिल जाएगा, मेरा बात समझ रहे हो, उसका साइन यस आपका सर। निकल जाएगा। ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर एक्स रख लो, इधर कोई भी रियल नंबर आप रखो, इन्फाइनाइट रियल नंबर है, देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर, उन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर आप पिक कर लो, नो मैटर हाउ बिग, नो मैटर हाउ स्मॉल, नो मैटर वेदर इट इज पॉजिटिव, नो मैटर वेदर इट इज नेगेटिव, वट एवर रियल नंबर कम्स टू योर माइंड, उसका यहाँ पर आप अगर वो नंबर अगर एक्स का जगह रख लो तो उसका साइन निकल जाएगा, ठीक है ना, आप कैलकुलेटर में भी निकाल के देख सकते हो कोई भी रियल नंबर का साइन, क्लियर और नॉट। तो यस बेटे सर, इसका मतलब साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर एक्स, बट कोई भी रियल नंबर एक्स के लिए साइन एक्स डिफाइंड है, तो उसका साइन निकल जाता है, मेरा बात समझ रहे हो, कोई भी रियल नंबर एक्स का साइन निकाला जा सकता है। तो बेटे डोमेन क्या होता है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड, और यहां पर एक्स के जगह कोई भी रियल नंबर रखो उसका साइन डिफाइंड होता है, तो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर साइन एक्स फंक्शन, मेरा बात समझ में आ रहा है क्लियरली, यस सर, आ गया समझ में, यस सर, यस सर। बिल्कुल उसी तरह बेटे ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर का हम कॉस भी निकाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर एक्स का जगह रख लो उसका कॉस निकाला जा सकता है, उसका कॉस डिफाइंड है, कोई भी रियल नंबर का कॉस डिफाइंड है, ठीक है ना,
इसलिए कॉस वाला फंक्शन का भी डोमेन क्या आ जाएगा बेटे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मेरा बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके, हैं? यस सर, यस सर। अब आते हैं क्लास, सर बता। डोमेन का मतलब क्या है सर? डोमेन का मतलब है इट इज अ सेट, डोमेन इज अ सेट, इट इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच योर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज डिफाइंड। यहां पर एक्स के जगह ब्रह्मांड के कोई भी रियल नंबर आप रख लो, उसका साइन डिफाइंड, उसका साइन निकल के आ जाता है, ठीक है? तो बेटे उन सारे यस वैल्यूज सर, ऑफ एक्स, ऑल रियल नंबर्स है ना बेटा, ऑल रियल नंबर्स इस एक्स के जगह रख सकते हो, इसलिए इसका डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर और नॉट? यस सर। फिर इसका मतलब यस डोमेन इज सेट ऑलवेज। यस, डोमेन इज अ सेट, ठीक है ना, डोमेन इज अ सेट। अब बेटा आते हैं यस टैन सर, एक्स के ऊपर, आते हैं किसके ऊपर आते हैं बेटे, टैन एक्स के ऊपर। बेटे टैन एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है। अब बात यह है कि साइन एंड कॉस फंक्शन के तरह, साइन एक्स एंड कॉस एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके तरह, क्या हम ब्रह्मांड का किसी भी रियल नंबर का टैन निकाल सकते हैं? क्या हम कोई भी एक्स का जगह कोई भी वैल्यू रख देने से उसका टैन निकल जाएगा क्या? नो सर, द आंसर इज नो, नो सर, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दो फॉर दोज वैल्यूज टैन एक्स इज अनडिफाइंड। जो एक्स वैल्यूज के लिए कॉस एक्स जीरो हो जाता है, उन एक्स वैल्यूज का टैन क्या होता है बेटा? अनडिफाइंड होता है। सपोज एक्स इज इक्वल टू आप पाई बाई टू रख लो, रूट एक्स इज इक्वल टू 3π/2 मानो, तो बेटे साइन 3π/2 बाई कॉस 3π/2। अभी साइन 3π/2 होता है -1 डिवाइडेड बाई बेटे कॉस 3π/2 होता है 0, बिकॉज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का कॉस क्या होता है? 0। जीरो सर, तो बेटे एनीथिंग बाई 0 क्या होगा बेटा? अनडिफाइंड। क्या होगा? अनडिफाइंड सर, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। इसका मतलब बेटे अगर आपका एक्स अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आप लेते हो तो उसका टैन क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू वाले एक्स का कॉस क्या होता है? 0। जीरो तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वैल्यू क्या होता है? सर, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। इसका मतलब हम कौन से एक्स का टैन नहीं निकाल पाएंगे ना? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू वाले एक्स का टैन नहीं निकाल पाएंगे, है ना बेटे? 2n+1 इनटू पाई बाई टू, ऐसे एक्स का टैन अनडिफाइंड होता है, क्योंकि अरे समझ रहे हो ना, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, ठीक है ना? वेयर एन इज यस सर, इंटीजर, यस सर। वेयर एन इज इंटीजर। बेटे इससे एक वन मार्क का सवाल आपका आ सकता है, डोमेन नेम से इसका साइन कॉस का, तो ध्यान रखो पहले आपको याद रखना है उसके बाद में। तो बेटे ऐसे एक्स वैल्यूज के टैन अनडिफाइंड निकालते हैं, तो टैन एक्स का डोमेन क्या होगा बेटे? डोमेन क्या होता है ना? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज डिफाइंड, उन वैल्यू एक्स के उन वैल्यूज का सेट जिनके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है। तो टैन बेटे सिर्फ यही वैल्यूज के अलावा बाकी सारे एक्स के लिए डिफाइंड होगा, है ना बेटे? सिर्फ अगर कोई एक्स का वैल्यू अगर ऑड नंबर इंटू पाई बाई टू है उसका टैन अनडिफाइंड होता है, बाकी सारे एंगल का टैन डिफाइंड है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? यस यस सर, सर। तो बेटे टैन का डोमेन हो जाएगा आर माइनस, देखो बेटे इधर देखो, चेक कर लो क्या लिखा है, आर माइनस ऐसे। बेटे एक सेट से एक दूसरा सेट माइनस किया गया है, आपको याद है जब माइनस करते हैं एक सेट से दूसरा सेट तो क्या करते हैं बेटे? सपोज सेट ए माइनस सेट बी जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है बेटे ना? सेट ए में से सेट बी का अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसको निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं? याद है यस सर, यस सर। जब हम एक सेट से दूसरा सेट माइनस करते हैं तो सेट ए के अंदर अगर बी वाले कोई एलिमेंट है तो उनको निकाल देते हैं, तो जो सेट मिलता है वही होता है आपका ए माइनस बी, को याद होगा बिल्कुल। यहां पर ये क्या लिखा है,
एक सेट रियल नंबर सेट्स से है, ये एक सेट माइनस किया गया है, और जो सेट माइनस किया गया है उसके अंदर क्या एलिमेंट है जरा चेक कर लो। वो सेट, ये जो सेट है बेटे, सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है। किस मेथड में लिखा गया है? सेट बिल्डर मेथड में सेट लिखा गया बिल्डर है। मतलब कैसे सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है? देखो, 2n+1 इंटू पाई बाई टू सच दैट एन इज इंटीजर। मतलब ये सेट में कौन से एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट जो कि इस फॉर्मेट में होते हैं, 2n+1 वेर एन इज इंटीजर। बेटे, एनी ऑड नंबर इंटू पाई बाई टू, ऐसे वाले वो सारे रियल नंबर इस सेट के अंदर है। मतलब कौन से वाले? पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, माइनस फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, माइनस सेवन पाई बाई टू, वो सारे एंगल्स को लेके ये सेट बना है। अब रियल नंबर सेट से उसको माइनस कर रहे हो, मतलब क्या है बेटे, रियल नंबर सेट में से ये सारे वैल्यूज को निकाल दो, जो बचे उनका टैन डिफाइंड है। क्लियर और नॉट? सिंपल सा फंडा है, इसीलिए टैन का डोमेन ऐसा लिखा गया है। अब आते हैं कॉट का डोमेन। अब देखो भाई, कॉटेक्स क्या होता है ना, कॉसेक्स बाई साइन एक्स। अब देखो बेटे, क्या ब्रह्मांड के कोई भी रियल नंबर एक्स का हम कॉट निकाल सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सबको पता है बेटे, साइन जीरो हाँ आप सबको पता है बेटे, अगर एक्स आपका सम इंटीजर इंटू पाई हुआ, इंटीजर इंटू पाई, इंटीजर इंटू पाई वाले कुछ एंगल का एग्जांपल दो, पाई माइनस पाई, अच्छा जीरो भी होगा ना, जीरो क्या होता है, जीरो इंटू पाई, जीरो क्या होता है, जीरो इंटू पाई, जीरो एक इंटीजर है ना, आप जीरो को लिख सर सकते हो ना, जीरो इंटू पाई, इंटीजर इंटू पाई हुआ ना, तो जीरो भी वैसा एक सर एंगल है। वन इंटू पाई, टू इंटू पाई, थ्री इंटू पाई, फोर इंटू पाई, फाइव इंटू पाई, सिक्स इंटू पाई, सेवन इंटू पाई, डॉट 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 डॉट, पीछे माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, माइनस फाइव, फोर पाई, माइनस फाइव पाई, डॉट 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 डॉट, उन सारे एंगल्स के साइन क्या होते हैं बेटे? जीरो। जीरो साइन एन पाई इज इक्वल टू जीरो पढ़ाया था मैंने, याद कर लो। यस अब इन एंगल्स का साइन अगर जीरो है तो इन एंगल्स का कॉट क्या हो जाएगा? एन पाई का कॉट क्या आएगा? सर अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ जाएगा। इसका मतलब ये वाले एक्स वैल्यूज का हम कॉट नहीं निकाल पाएंगे, राइट? तो बेटे हम क्या यस सर करेंगे, सिंपली कॉट का डोमेन क्या होगा बेटे, रियल नंबर सेट माइनस दिस सेट। और ये सेट में कौन सा एलिमेंट है बेटे? एन पाई वाले एलिमेंट इस सेट में है ना, सच दैट एन इज इंटीजर। तो अगर बेटे एन, एन कोई भी एक इंटीजर है ना, एन एन इज इंटीजर, तो यहाँ पर एन की जगह एक एक इंटीजर रखते जाओ, इस सेट के सारे एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे, है ना? तो सारे इंटीजर इंटू पाई यस वाले एंगल इस सेट के अंदर है, तो उनको बेटा रियल नंबर सेट से निकाल दो, जो बचे उनका कॉट डिफाइंड है। मेरे बात समझ रहे हो ना, जो बचे उनका कॉट डिफाइंड है। क्लियर? सर अब देखो बेटे, टैन एक्स एंड सेक एक्स दोनों का डोमेन सेम होगा, क्योंकि बेटे देखो सेक एक्स क्या बिकॉज होगा, दोनों का डिनोमिनेटर में कॉस एक्स होता है इसलिए वेरी गुड, सेक एक्स क्या होता है बेटे ना, वन बाई कॉस एक्स है ना, वन बाई कॉस एक्स। अब बेटे जब एक्स आपका ऑड नंबर इंटू पाई बाई टू वाले एंगल होगा तो उसका कॉस तो जीरो हो जाएगा, आपको पता है, इसको याद रखो बेटे, दिमाग में बिठा लो, ऑड नंबर सर इंटू पाई बाई टू उसका कॉस जीरो, याद रख लो, ऑड नंबर इंटू पाई बाई टू उसका कॉस जीरो। तो बेटे उसका सेक क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए सेक का डोमेन क्या होगा ना, रियल नंबर सेट में से सारे ऑड नंबर इंटू पाई वाले, पाई बाई टू वाले एंगल को निकाल दो। अरे समझ रहे हो ना, तो जो बचा यस वो सर सेक एक्स का डोमेन, कोसेक एक्स का डोमेन एंड कॉट एक्स दोनों का डोमेन सेम रहेंगे, क्योंकि बेटे कोसेक एक्स क्या होता है, सर वन बाई साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स है ना। और अगर एक्स आपका सम इंटीजर इंटू पाई हुआ तो उसका साइन क्या आता है? जीरो जीरो। उसका इसलिए कोसेक क्या अनडिफाइंड होगा? होगा सर अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड तो कॉसेक का डोमेन भी क्या होगा? अनडिफाइंड रियल नंबर सेट में से सारे इंटीजर इंटू पाई वाले एंगल निकाल दो। मेरा बात समझ रहे हो?
अब डोमेन समझ में आ यस सर, गया सबका? यस सर, यस सर। हाँ, डोमेन का फंडामेंटल डेफिनेशन ये होगा बेटे, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज डिफाइंड। रियल नंबर सेट में से आप अगर ये एन पाई वाले ये जो सेट माइनस कर देने के बाद जो न्यू सेट आपके सामने आएगा उसके अंदर वो सारे रियल नंबर आ जाएंगे एन पाई को छोड़ के, एन पाई वाले रियल नंबर को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर आ जाएंगे और उनका कॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एन पाई वाले एंगल्स के कॉट अनडिफाइंड होते हैं जिनको आपने निकाल दिए हो। बस समझ रहे हो? अच्छा, यस सर। अब आते हैं बेटा रेंज। बेटा इसको याद रखना है, अभी अभी के लिए याद रखना है, मैं इवनिंग क्लास में इसका, आज इवनिंग क्लास है, आज की क्लास में आपको आना है। इवनिंग क्लास में कंपलसरीली मैं आपको साइन का रेंज, कोसाइन का रेंज कैसे आया मैं आपको समझाऊंगा उस क्लास में, बाकी इनका रेंज आपको अभी के लिए बस याद रखना है, ठीक है ना? अच्छा सर, बेटे देखो, साइन फंक्शन का रेंज होता है -1 to 1। बेटा रेंज मतलब क्या होगा? रेंज इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको जो जो वैल्यूज दे सकता है, आउटपुट दे सकता है, उनका सेट को हम उसका रेंज बोलते हैं। मतलब क्या है बेटे? देखो, साइन फंक्शन का रेंज -1 to 1 है, इसका क्या मतलब है ना बेटे? कोई भी एंगल, साइन एक्स का डोमेन क्या है बेटे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन में से कोई भी एक्स आप साइन, एक्स का साइन आप निकालो, कोई भी एक्स का साइन आप निकालो, उसका साइन कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा एंड 1 से बड़ा नहीं होगा। किसी भी एंगल का साइन -1 से छोटा नहीं होता है एंड 1 से बड़ा नहीं होता है। कीप इन माइंड साइन एक्स का वैल्यू -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू +1। साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 या फिर उससे बड़ा आएगा एंड 1 या फिर 1 से छोटा आएगा। अगर आपको कोई आके बोल दिया कि सर मेरा एक है, मेरे पास एक एंगल है और उसका साइन 2 निकल के आ गया, तो क्या बोलोगे बेटे? तेरे गलत है। गलत है बेटे, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा एंड -1 से छोटा नहीं आएगा। क्लियर और यस नॉट? ठीक है, यस सर, इसीलिए। यस सर, तो अगर मैं साइन एक्स का रेंज बोलूं तो बेटा रेंज क्या होगा? रेंज भी एक सेट है। रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिव्स यू। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको जो वैल्यूज देता है उनका सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो बेटा साइन एक्स का वैल्यू -1 या फिर उससे बड़ा एंड 1 या फिर 1 से छोटा, ये जो इंटरवल है बेटे, ये इंटरवल के अंदर, ये इंटरवल है बेटे, स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ, ये इंटरवल का मतलब समझते हैं ना सर, बेटे? -1 भी इंक्लूडेड है सर इसमें, इंक्लूडिंग, 1 भी यस सर, इंक्लूडेड है। इंक्लूडिंग -1 एंड 1। ये इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे बेटे, बिकॉज इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। -1 एंड 1 के बिटवीन वाले इनफाइनाइट रियल नंबर्स इसके एलिमेंट है। क्लियर और नॉट? हां, तो साइन एक्स का यस वैल्यू सर, -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा हमेशा, वो -1 या फिर उससे बड़ा एंड 1 या फिर 1 से छोटा हमेशा रहता है, ठीक है ना? कोसाइन फंक्शन का रेंज यस बिल्कुल सर, साइन फंक्शन का रेंज जो है वही है। कोसाइन फंक्शन का वैल्यू वैल्यू भी कभी भी -1 से छोटा नहीं आएगा एंड 1 से कभी भी बड़ा नहीं आएगा। क्लियर और नॉट? याद रख लो, साइन कोसाइन दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का रेंज भी सेम है। इजी हो जाएगा याद यस रखना, सर, ठीक है ना? यस सर, अच्छा, टैन एंड कॉट बेटे, ये दोनों का रेंज सेम है, याद रखना, इजी है बेटे। टैन एंड कॉट दोनों का रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब है बेटे, टैन एक्स एंड कॉट एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है ना? कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर उठा लो, वो किसी ना किसी एक एंगल का टैन हो रहा होगा, किसी ना किसी एक एंगल का कॉट हो रहा होगा। मेरे बात समझ रहे हो? कोई भी रियल नंबर आप उठा लो, वो किसी ना किसी एंगल का यस सर, टैन हो रहा होगा, किसी ना किसी एंगल का वो कॉट हो रहा होगा। टैन एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कॉट एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इसलिए टैन एक्स का रेंज पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है एंड कॉट एक्स का रेंज भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्लियरली? हाँ, यस सर, ओके। यस सर, मैं खाली आपको एक टेबल समझा रहा हूँ, आपको एक टेबल याद रखना है, कुछ क्वेश्चन भी इनके ऊपर 1 मार्क के सवाल हम करेंगे कल डायरेक्ट,
आपको बेटे पूरा ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा है कि डोमेन का डेफिनेशन लिखो वगैरह वगैरह, कि टैन एक्स का डोमेन कैसे ये हुआ, ये कोई नहीं पूछने वाला, कैसे ये हुआ डिराइव करो ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ के इसको अप्लाई करना है। बस ये लास्ट खाली देख लो बेटे, सेक एक्स, बेटे सेक एक्स का रेंज, बेटे आपको याद है कॉस एक्स का रेंज क्या था? कॉस एक्स का रेंज, कॉस एक्स का वैल्यू -1 से लेके 1 तक हमेशा रहता है ना माइनस वन बेटे। से वन, उसका जो रेसिप्रोकल है ना यस बेटे, सर। सेक एक्स, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या है रे? सेक एक्स है ना। सेक एक्स का वैल्यू ठीक बेटे, सेक एक्स का वैल्यू हमेशा या तो -1 या फिर उससे छोटा आएगा, या फिर और सेक एक्स का वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ा आएगा। कोई भी मतलब सेक एक्स का डोमेन से भी, सेक एक्स जो जो वैल्यूज पर डिफाइंड है वो तो दे रखा है यहाँ पर, आपको पता है जो जो एंगल का सेक निकल आ जा सकता है ना, वो तो आपको पता है कौन से एंगल का सेक नहीं निकल आ जा सकता है वो भी पता है। तो जो एंगल का सेक निकाला जा सकता है, जब उसका सेक निकालोगे बेटा, किसी भी एंगल का सेक कभी सेक हमेशा -1 या फिर उससे छोटा आएगा, या फिर 1 या फिर 1 से बड़ा आएगा। मतलब बेटा अगर मैं इसको रियल नंबर लाइन में प्लॉट करूं बेटे, तो इधर -1 है और इधर 1 है, मतलब बेटे कोई भी एंगल का सेक या तो इस रेंज में आएगा या तो इस रेंज में आएगा। एंगल का सेक या तो -1 होगा या फिर 1 होगा, -1 से छोटा आ सकता है, 1 से बड़ा आ सकता है। कोई भी एंगल का सेक -1 एंड 1 के बिटवीन वाले वैल्यू कभी भी नहीं हो सकते। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सर हाँ, और कॉस एक्स का वैल्यू बेटे क्या होता है ना, -1 से 1 के बिटवीन में रहता है ना। मतलब यहाँ पर ये कॉस एक्स का है, ठीक है ना, यहाँ पर कॉस एक्स का वैल्यू रहते हैं और यहाँ पर बेटे सेक एक्स का वैल्यू रहते हैं। क्लियर और नॉट? एंड कॉस एक्स सेक एक्स दोनों का वैल्यू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। बराबर समझ रहे हो? ओके ठीक है। अब बस लास्ट बचा बेटे, सेक एक्स का रेंज जो है कॉसेक एक्स का रेंज भी सेम है, दोनों का रेंज सेम है, दोनों का रेंज सेम है बेटे। कॉसेक एक्स का वैल्यू भी हमेशा -1 या फिर उससे छोटा आएगा, 1 या फिर 1 से बड़ा आएगा। बेटा अगर आपको कोई बोल दिया कि मेरे पास एक एंगल है उसका कॉसेक आ रहा है 0, तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है भाई? या गलत गलत बोल रहा है ना, या गलत गलत बोल रहा सर। है। क्योंकि बेटा किसी भी एंगल का कॉसेक कभी भी -1 से 0 के बीच वाले नहीं आ सकते, हमेशा -1 या फिर उससे छोटा आएगा, 1 या फिर 1 से बड़ा आएगा। क्लियर और नॉट? किसी भी एंगल का कॉसेक 0 कभी नहीं हो सकता। गेट माई पॉइंट सो फार? आर वी क्लियर ऑन दिस? सर अच्छा, यस सर। तो बेटा अगर अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, बताओ एंगल कौन है, तो क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? किसका कॉस 2 होता है? अरे किसी भी एंगल का कॉस 1 से बड़ा हो सकता है क्या? रेंज नो सर, नो देखो, सर, रेंज देखो बेटा, रेंज रेंज तो होगा देखो, सर। कॉस एक्स हमेशा -1 या फिर उससे बड़ा होगा, 1 या फिर 1 से छोटा होगा। कॉस एक्स का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस यस सर, सर। ओके ठीक यस सर। है ठीक है। तो इतना आज का क्लास में है, और कल का क्लास में हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो कैन लीव यस नाउ। सर।